उत्तराखंड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव के आज जाएंगे नतीजे। दोनों सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। हरिद्वार चमोली मुख्यालय पर हो रही है मतगणना। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जीत का दावा किया है। तो मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए थे और आज नतीजों की बारी है। दोनों ही पार्टियों ने जीत का दावा किया है। बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। दोनों ही सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है। हरिद्वार चमोली मुख्यालय पर हो रही है मतगणना। तो आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार किस पार्टी ने बाजी मारी है। हालांकि इससे पहले चुनाव प्रचार भी किया गया था, अपने अपनी जीत के दावे भी किए गए थे और अब आज नतीजों का दिन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दो सीटों पर उपचुनाव हुए थे, बद्रीनाथ मंगलौर सीट जहां पर राजेंद्र भंडारी और लखपत बुटोला के बीच कड़ा मुकाबला था। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए थे, एक दूसरे पर तमाम मुद्दों के जरिए हमला बोला गया था, लेकिन आज बारी जनता के फैसले की है कि जनता किसके साथ जाती है। ये तस्वीर अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। तो दोनों ही सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार चमोली मुख्यालय पर हो रही है काउंटिंग। तो चुनाव के नतीजे आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि इस चुनावी नतीजे से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक तरीके से बीजेपी मजबूत स्थिति में है, उत्तराखंड में है, लेकिन फिर भी यहां जीत का दावा दोनों पार्टियों की तरफ से किया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से भी प्रचार किया गया था और तमाम तरीके की वादों का जिक्र किया गया था। आज बारी जनता के फैसले की है कि जनता किसके साथ जाती है, किसे अपना नेता चुनती है। और मंगलौर सीट के समीकरण भी आपको बता रहे हैं, एक तरफ बद्रीनाथ सीट के समीकरण क्या है तो वो भी आप समझिए। जातीय गणित को समझना यहाँ पर भी बेहद जरूरी है। 2% मुस्लिम है, इसके अलावा 60% ठाकुर है। बद्रीनाथ सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, 2566 सर्विस मतदाता है, इसके अलावा 60% ठाकुर आबादी है, 33% ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और मंगलौर सीट की अगर हम बात करें तो यहां 8000 गुर्जर हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका ये माना जाता है, 52000 मुस्लिम मतदाता हैं, 18000 दलित मतदाता। तो सारे समीकरणों को देखते हुए ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया था और आज बारी नतीजों की है। तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस पार्टी के प्रत्याशी ने बाजी मारी है। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए गए हैं।